हाय नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है और आप देख रहे हैं टॉक्सी ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, कलर ग्रेडिंग क्या होती है, कलर ग्रेडिंग का हमारे को क्या फायदा होता है, तो इस प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो कलर ग्रेडिंग क्या होती है, जैसे मान लो कि आप कोई भी फिल्म या सीरियल जो बनते हैं वो आईफाई कैमरों से रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन उसको भी कलर ग्रेडिंग किया जाता है, डाई मशीन पर ले जाया जाता है, उससे कलर किया जाता है, कलर ग्रेडिंग दी जाती है। दोस्तों, जो कैमरे की जो ओरिजिनल वीडियो फुटेज या फोटो खींचते हैं उसमें वो मज़ा नहीं है जो कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग में आपकी जो भी तस्वीर, जो भी वीडियो रहती है उस पर एक सिनेमेटिक लुक आ जाता है कलर ग्रेडिंग से। तो कलर ग्रेडिंग में बहुत ही एक लुक अच्छा दिखने लग जाता है वीडियो का। तो वीडियो में आज हम सीखेंगे मोबाइल पर कलर ग्रेडिंग करना, यानी काइनमास्टर मोबाइल वीडियो एडिटिंग पर कलर ग्रेड कैसे किया जाता है। तो वो इस सारी प्रोसेस जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए और कुछ नई जानकारी सीखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस घंटी बेल को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको मिलती है। यदि आपका कोई सवाल हो एडिटिंग से रिलेटेड तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ काइनमास्टर, जो आप सिंपल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आप ले लीजिए, जिस को भी आप कलर ग्रेड करना चाहते हो। तो मैं सिंपल ये एक प्रोजेक्ट लिया हूँ, ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हम कलर ग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ, तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम कम किया। तो अब क्या है कि ये आपके सामने ये फुटेज है, तो इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो एकदम सिंपल है, तो ये आपको बहुत अच्छी लग रही है अगर आप HD में करके देख रहे हो। तो ये एकदम क्लियर इसका कलर है, जो एकदम कैमरे का ओरिजिनल कलर है वही कलर है। तो अब इसको हम कलर ग्रेड करेंगे। तो कलर ग्रेड आपको इससे तो पता नहीं चलेगा, मैं एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ। तो ये डुप्लीकेट किया, अब इस डुप्लीकेट के ऊपर हम कलर ग्रेड करेंगे। तो कलर ग्रेड करने के लिए आपको क्या है, सिंपल इसके ऊपर जो आपकी जो लेयर है इस लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, जो एक तो है कलर फिल्टर का, इस कलर फिल्टर पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं आपको, जो भी फिल्टर आप यूज़ करना चाहते हो। तो ये तो ऑटोमेटिक है, इसमें सारा बैलेंस बना हुआ रहता है। अगर आप अपनी पसंद का जो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आना है कलर एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो आपको ये साइडों में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर ऊपर करते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको साइड में जो ये देखो नज़र आ रहा है जितना हमारा लेयर है, ये देखो यहाँ से एकदम ब्लैकिंग वाइट कर सकते हैं इसको, हम जितना कलर करेंगे उतना कलर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम और कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी लाइट बढ़ा देते हैं। आपका जो मतलब वीडियो का सेटिंग है उसके हिसाब से आपको कलर एडजस्ट करना है, और उसके बाद में हम यहाँ से ओके करते हैं। अब इस वीडियो को हम देखते हैं, ये देखो ये वीडियो हमारी इस तरीके से, इस वीडियो को हम थोड़ा हाफ फ्रेम पर ले लेते हैं तो आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा कि ये वीडियो कैसे है। अब इन दोनों वीडियो को हम प्ले करते हैं, तो ये देखो दोस्तों दोनों ही वीडियो में मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है कलर ग्रेडिंग का। इस एक में तो हमने कलर ग्रेड किया है और दूसरी वाली ये देखो ओरिजिनल AC है। तो इसको क्या है कि अगर कलर ग्रेड करते हैं तो हमारे को ये वीडियो रहती है वो वीडियो बहुत ही अच्छी हो जाती है, वीडियो में मतलब एक सिनेमेटिक लुक आ जाता है और वीडियो बहुत बेहतरीन बन जाती है। आपकी वीडियो में अगर कलर नहीं भी आ रहा है तो आप इस तरीके से करके अपनी वीडियो में कलर ग्रेड कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई सुझाव है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आगे हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।